कोलकाता के अस्पताल में महिला चिकित्सक मौमिता हत्या को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सम्मिलित सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं एवं ड्यूटी करने वाली महिला डॉक्टर को भी डर सताने लगा है, जिसको लेकर आज भागलपुर में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोलॉजिकल सोसाइटी के बैनर तले डॉक्टर वर्षा सिंह की अध्यक्षता में आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च कोतवाली चौक से निकलकर खलीफाबाग चौक होते हुए घंटाघर चौक पर आकर समाप्त हुई, जिसमें सभी डॉक्टरों ने डॉक्टरों की सुरक्षा और कोलकाता में हुई इस तरह की घृणित एवं निर्मम हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही सभी डॉक्टर ने एक सुर में कहा कि इसमें कांड में सम्मिलित सभी अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार इसको लीपापोती करने में लगी है, जो कि कहीं से सही नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर डॉक्टर वर्षा सिन्हा के साथ डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर सुमन चटर्जी, डॉक्टर अवैध अली के साथ साथ काफी संख्या में डॉक्टर्स एवं सामाजिक लोग भी मौजूद थे। भागलपुर में एक बार फिर नशेड़ियों व अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति से भाजपा नेता को ही निशाना बना लिया है। बीजेपी नेता स जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया है। इसके बाद जैसे ही वह जमीन पर गिरे तो अपराधियों ने गले और सिर समेत शरीर के कई हिस्से में धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके साथ ही गोलू तिवारी पर भी हमला कर दिया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति व उनके साथी को आनन फानन में JLMCH में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे नशे में लीन कई युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे। वह महिलाओं पर फफ्तियां कसने लगे, साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने यह देखा तो उसने नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर बम और धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपराधी यही नहीं रुके, उसने शशि मोदी के पिता के घर पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में है, वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर डायल 112 टीम, रात्रि गश्ती टीम कहाँ थी? घटना घटित ही होती है तो फिर पेट्रोलिंग का खोखला दावा क्यों? हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फोन आया अचानक से रात में कि ऐसी ऐसी बात हुई है, वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाए और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, सिटी स्कैन हुआ है। और मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए, कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले फूलन शर्मा की हत्या के बाद हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने की मांग को लेकर नाथनगर क्षेत्र के रहने वाले सैकड़ों लोग एवं आपका विकास पार्टी के बैनर तले समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का मांग है कि जब फूलन शर्मा को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी और घटना के बाद जब परिजनों के द्वारा आवेदन नाथनगर थाने में दिया गया तो थानेदार के द्वारा आवेदन को वापस कर दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन आवेदन लिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती एवं हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद तुरंत उसे फांसी की सजा स्पीडी ट्रायल की तरफ से नहीं सुनाया जाता है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं घटना पर बैठे ग्रामीणों ने भागलपुर DSP2 राकेश कुमार एवं नाथनगर थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मदर का धरना है, हम लोग घर में सोए हुए थे, करीब 1 बजे रात में घर में घुस के गोली मार के खड़ा हो गया। किसके द्वारा मारा गया? बगल में मेरे मिथुन मंदिर, सागर मंदिर, बंतु मंदिर, वरुण मंदिर, अरुण मंदिर, विजय मंदिर, दीपक मंदिर, ज्योति कत्ताले के घर में घुस के गोली मार के फरार हो गया। क्या काहे मारा? कुछ विवाद था? पहले जमीन विवाद था मेरे गुतिया में। अच्छा, उसी में बोलने के लिए गया, वो धमकी दे रहा था पहले। धमकी देने के बाद पहले मारपीट हुआ था, हाथ तोड़ के मारा था वो लोग। अच्छा, उसके बाद थाना में हम लोग आवेदन दिए, थाना में आवेदन नहीं लिया, वापसी कर दिया। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद आवेदन दिए, पापा जाके पहुंचाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भाग
जबलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबगंज में देर रात भाजपा नेता व वार्ड 51 के पार्षद पति शशि मोदी पर जानलेवा हमला के बाद शशि मोदी का JLNMCH के ICU में इलाज चल रहा है। इधर घटना को लेकर DSP राकेश कुमार ने उनका हाल जाना, साथ ही ICU इंचार्ज महेश कुमार से उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने DSP से मुलाकात कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, साथ ही साथ नशे के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घायल के परिजन डरे सहमे हुए हैं और घर पर सुरक्षा देने की गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि वो फिलहाल ठीक है, सिटी स्कैन में छोटा सा हिमाटोमा का पता चला है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, GCS और ECG सामान्य है, कुछ जांच बचे हैं जिसके बाद पता चल सकेगा कि वह खतरे से बाहर है या नहीं। DSP राकेश कुमार ने कहा कि घटना हुई है, इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह घटना दुखद है, जहां घटना हुई प्रशासन पूरी तरह से जाँच कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, उनके घर पर प्रशासन का डिप्यूटेशन हो, इस तरह की घटना से दहशत है। शशि मोदी के परिजन ने बताया कि रात में पूरी तरह से उनको मारकर फेंक दिया गया, गनीमत रही कि उसकी सांस चल रही थी। 40 से ज्यादा अपराधियों ने घर पर भी हथियार डंडा लेकर पहुंचे और गाली गलौज की घटना से पूरी तरह से डरे हुए हैं, प्रशासन हमें सुरक्षा दे। तो हल्ला हुआ तो हम दरवाजा खोले, खोलने के बाद ना वो सब लड़का पसीने हंसू और वही 3 नट लेके और डंडा लेके सब घर पे आ गए। वो सब हम लोग काफी डर गए, मेरा पापा जो को भी मारने वाले थे, या दीपिका है जो पापा को खींच के अंदर से दरवाजा लगा लिए, तो उन लोग गल्लम गाली उल्टा सीधा करके फिर चल गए। एकदम हालत खराब है, कोई भी घर पे, हम चाहते हैं कि मेरा घर का कोई सुरक्षा करे, हम लोग को कोई देख नहीं रहे है हम लोग को। पुलिस अभी तक घर पर आई? हाँ, 15 लड़का वो सब आया था घर पे। पुलिस आई थी घर पर? पुलिस आई, मेरे सामने नहीं आए थे, पुलिस आए चिल्लाते रहे, सर सर इधर सुने, तो वो चौधरी चल गए, मेरे बात नहीं सुने। कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ और सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा निर्भीक होकर समाज में काम करते हैं और ऐसी घटना ऐसे सामाजिक जीवन के लोगों के लिए भय उत्पन्न करता है और प्रशासन से हम मांग करते हैं यथाशीघ्र ऐसे तत्व पर, ऐसे लोगों पर जिन्होंने ऐसी घटना की है, उस पर कार्रवाई हो और पुनः उसे घर पर कुछ परेशानी ना हो, एक प्रशासन के डिप्टेशन भी वहां पर तत्काल कराया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है और प्रशासन उसको निश्चित रूप से और कार्रवाई करते हुए और ऐसा एक माहौल बने शहर के अंदर कि दूसरी ऐसी कोई घटना के लिए ऐसे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को कुछ भी करने से पहले उसको सोचना पड़े। परसों भी इस तरह की बात सामने आई थी, पुलिस को भी खबर दिया गया था जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं सर, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या लगता है लापरवाही पुलिस? देखिए, अगर प्रशासन को सूचना है, प्रशासन ने तत्क्षण कोई कार्रवाई नहीं की है, वह भी जाँच का विषय होगा। आखिर प्रशासन अगर सचेत होती और कुछ कार्रवाई करती तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। 12:15 पर इस अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनका CT हुआ है, CT के फाइंडिंग में एक छोटा सा हेमाटोमा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा उपचार की आवश्यकता नहीं, अपने आप ठीक हो जाने की संभावना है। इनके द्वारा, इनके परिजन द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। परसों रात में भी सर इस तरह के मामले आए थे और उसमें पुलिस को भी खबर की गई? नहीं, ये बात जो बता रहे हैं कि बात जो एकदम नहीं है, वो दिन पहले सुनने में आया था कि कोई मेला में देखने क्रम में लड़की लोग के कोई वापस छिड़खानी वगैरह कुछ किए होंगे, जिसको लेकर ये बार पर्सन होते जो हैं उनके साथ डांट फटकाट किए थे, उसी के बदला लेने के लिए ये लोग उनके साथ में मारपीट किए करने की बात बताई जा रही है। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया है? वो लिखित में दिए हैं, देख लेते हैं कितने लोग दर्ज की गई है, जो है इसके अलावा जो भी लिखित अलावा जो भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी। छापेमारी हाँ सफारी। भागलपुर जिला में मिलिंद अमरेंद्र कुमार और स्वर्णिमा का ड्रग्स इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई है। वहीं भागलपुर प्रमंडल में डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर मनोज कुमार के रूप में पदस्थापित हुए हैं। डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर के द्वारा बताया गया कि हमारा सर्वप्रथम प्राथमिकता यह रहेगी कि प्रमंडल की तमाम जनता को डुप्लीकेट दवा कोई भी ड्रग्स दुकानदार नहीं दे सके। इसके लिए हम और हमारी 6 ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में सख्ती से जाँच करते हुए प्रमंडल के सभी जनता को सही दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। इसके अलावा जहां जहां भी अवैध दवा दुकान संचालित है उस दवा दुकान की जांच कर नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी।
जिससे क्षेत्र की आवाम को डुप्लीकेट से बचाया जा सके। अवैध रूप से संचालित दवा दुकान अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि हम दो प्रमंडल भागलपुर और मुंगेर के डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर के रूप में पदस्थापित हैं। दोनों जगह मेरी यही सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी कि आम लोगों को दवा के मामले में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।